हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चुनाव यानी कि इलेक्शन के बारे में, क्योंकि आजकल चल रहा है इलेक्शन का टाइम, तो क्यों ना इस इलेक्शन टाइम में ही इलेक्शन वोकैबुलरी पढ़ ली जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो का पहला वर्ड है चुनाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। नेक्स्ट है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, मुद्दा, एजेंडा, राजनेता, पॉलिटिशियन, मतदान, वोट, मतदाता, वोटर, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, राजनीति, पॉलिटिक्स, जनता का फैसला, पब्लिक्स वर्डिक्ट, मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल, प्रचार, प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट है नारा। तो नारे तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाए होंगे अपने स्कूल टाइम में, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्लोगन। वोट डालना, कास्ट अ वोट, राजनीतिक, पॉलिटिकल, विपक्षी दल, ऑपोजिशन पार्टी, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मतदान कक्ष, पोलिंग बूथ। नेक्स्ट है मत पत्र, बैलेट पेपर। नेक्स्ट है वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आचार संहिता, ये भी काफ़ी फेमस वर्ड है, जिसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, महापौर, मेयर, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या क्लियर मेजॉरिटी। नेक्स्ट है गठबंधन, अलायंस, महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस, बहस या वाद विवाद, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिबेट, जो अक्सर टीवी चैनलों पर चलती रहती है। दल बदलू, टर्न कोट, उपचुनाव, बाय इलेक्शन, जनादेश, मैंडेट, संसद, पार्लियामेंट, अनुमानित नतीजे, एग्जिट पोल। नेक्स्ट है रैली, तो रैली को हिंदी में भी रैली ही कहते हैं। नेक्स्ट जनमत सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल, रणनीति, स्ट्रेटजी, सांसद, तो सांसद को कहा जाता है एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है विधायक, तो विधायक को कहते हैं एमएलए, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है प्रवक्ता, तो प्रवक्ता को कहा जाता है स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रत्याशी या उम्मीदवार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैंडिडेट। कूटनीति, डिप्लोमेसी, मंत्रिमंडल, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैबिनेट। डाक मत, तो इसे हम कहेंगे पोस्टल वोट। नेक्स्ट है निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। नेक्स्ट मतदान दिवस, पोलिंग डे, फेरबदल करना, रीशफल, नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर या नॉमिनेशन लेटर भी कह सकते हैं। ईवीएम के साथ छेड़खानी, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है टैम्परिंग ऑफ ईवीएम। भ्रष्टाचार, इसके बगैर तो राजनीति अधूरी है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे करप्शन। नेक्स्ट है चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी। आरोप प्रत्यारोप, एलिगेशन, बहुमत, मेजॉरिटी, पार्षद, काउंसलर, समझौता, एग्रीमेंट,
जमानत जब्त होना, लॉस द डिपॉजिट, शपथ ग्रहण समारोह, सब कुछ हो चुका है, इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उसके बाद होता है शपथ ग्रहण समारोह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओथ सेरेमनी। नेक्स्ट है शपथ, सब कुछ होने के बाद अब लेते हैं मंत्री जी शपथ, तो शपथ को इंग्लिश में कहा जाता है ओथ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।